एल्विस यादव ने जयपुर में एक शख्स को थप्पड़ जड़ा है। वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अरे क्या हुआ? एल्विस यादव ने अपने व्लॉग में ये कहा, भाई देखो मैटर ये है ना, मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाड़ी देता, देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल दो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया। ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो, ऐसा ही हूँ मैं। मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बखी तो उसने मैंने उसको दे दिया। मैं अपने स्टाइल में, वो मुंह से बोलता हम मुंह से नहीं बोल पाते भाई। मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं कि भाई कल जयपुर में जो हुआ उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा एल्विस तो थोड़ा सा इंसान अच्छा है, जो दो थप्पड़ी मारे हम होते तो दो चार लात और लगती। नहीं, जो लोग ये सोशल मीडिया पे ज्ञान फैल रहे हैं ना कि एल्वी से थप्पड़ ना मारना चाहिए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कोई तुम्हें थारी माँ बहन की गाली दे तुम सुन लोगे? हैं? काई पे ना सुनी जा। और ये थप्पड़ तो बहुत छोटी सजा हुआ के निया, और ज्यादा कुछ होना चाहिए हो कहीं दूसरे के निया बोलने से पहले अपने आप से लगा के देखो, कोई तुम्हें थारी माँ बहन की गाली दे तो कैसे लगेगा? जवाब देना चाहिए। और भाई तुम सुन सको, हम पे ना सुनी जाएगी, जवाब तो बने। काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है एल्विस यादव को, और लोग कह रहे हैं कि एल्विस यादव ने सही किया। आपका क्या कहना कमेंट में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, सोशल मीडिया से सारी रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी।